अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अभी ही लाइक करें, शेयर करें और आपके राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें। हरे कृष्णा। जब भी हमको किसी भी प्रकार का दुख आता है, किसी भी प्रकार का कष्ट आता है, किसी भी प्रकार का समस्या आता है, तो उस समस्या को देख करके हम भागना नहीं चाहिए, कभी भी भागना नहीं चाहिए, सामना करो। हम लोग अगर धर्म में है, न्याय में है और फिर भी तकलीफ आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो भगवान जरूर एक दिन रक्षा करेंगे। लेकिन हमको हमारे जो कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। और क्या कर्तव्य पालन करना है, यहाँ पर कहा है सहन करो और अपेक्षा करो। आज इस संसार में हमको दुख है, लेकिन सहन करो। सहन करने के बाद में, कुछ दिन के बाद में वो सुख भी मिलेगा। जैसे दुखस्य अनंतरम सुखम, सुखस्य अनंतरम दुखम, ये संसार इसी तरह से बना है। हर व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति सुख में बढ़ रहा है, सुख में चल रहा है, तो कुछ दिन का बाद वो उसको जरूर दुख मिलेगा। जब आप लोग देखते होंगे कि नहीं, एक व्यक्ति सुख में है, वो जब तक जिंदा रहा तब तक सुख में ही है, तो अगला जन्म में उसको दुख भोगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति को आप देख रहे हो दुख भोग रहा है, तो कुछ दिन के बाद में उसको जरूर सुख मिलेगा। ये ध्यान रखो। हमारा आंखों में हजारों उदाहरण है, बहुत सारे परिवार है, बच्चे है, स्टूडेंट है, गृहस्थ है, हम सब बहुत देखा है। वो लोग पहले पहले इतना कष्ट में रहते हैं और रोज सर पीटते रहते हैं, और उनका जो दुख का जो बात है, जब उनको पास में साधु मिल जाता है तो पूरा हृदय दिल खोल करके उनका सारा दुख को प्रकाशित करता है। तो साधु लोग जब सुनते हैं, वो साधु लोग क्या होते हैं, पर दुख के दुखी होते हैं। जो साधु होता है वो हमेशा दूसरे के दुख को देख करके वो स्वयं दुखी रहता है, और वो 24 घंटा सोचता है कि अगला जीव कैसे खुश होगा, कैसे खुश होगा। तो वो साधु भी बताता रहता है कि आप लोग चिंता मत करो, सहन करो, और वो एक मार्ग बताता है। और मार्ग क्या है, इस संसार में हरे नाम हरे नाम हरे केवलम पढ़ो, नास्ते वो नास्ते वो नास्ते गतिर अन्यथा। ये जो संसार है भगवान का संसार में, ये भगवान कृष्ण के नाम को छोड़कर इसी संसार में और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो जीव को, जीव का दुख को दूर कर सकता है, चाहे अकेला जीव हो या बहुत लोग हो। जैसे अभी कोरोना आया है, सारा पृथ्वी परेशानी है, लेकिन वो कोरोना हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने वाला है कि नहीं, एक साल ज्यादा से ज्यादा 2 साल रहेगा, और वो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं 3 साल रहेगा। अब 5 साल रहने दो ना, उसका बाद तो जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये एक दुख आया है, ये दुख हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, इधर वो कुछ दिन के लिए रहेगा, बाद में जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान का शरण में रहना चाहिए। जो भक्त लोग उच्च अलग होते हैं, जब भी विपत्ति आता है तो उन्होंने एक सरल उपाय लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।